हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। आई एम विशाली। सो आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे PYQs। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे PYQs गेट के, जो 2024 में हुआ है, और 2007 तक के जितने भी PYQs गेट के अभी तक आ चुके हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन एक ही वीडियो में नहीं, 18 ईयर्स के हैं तो आपको इसकी 18 वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक मैंने LPP लिया है, कितने मार्क्स का किस साल में क्वेश्चन आए हैं, ओके, और क्या क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हैं, वो आप इन वीडियोस में देखोगे। इसके अलावा मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का स्टार्ट करूंगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सो एंड सो। सारी वीडियोस आपको 18 ईयर्स PYQs की मिल जाएंगी, ताकि अगर गेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, थ्योरी आप कर सके और PYQs आपको सारे यहां पे हेल्पिंग हैंड के लिए मिल सके। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आने वाले समय में मैं यही कॉन्सेप्ट CSIR नेट के लिए भी स्टार्ट करने वाली हूँ। मे बी नेक्स्ट वीक से CSIR नेट में भी कोशिश करेंगे कि 10 साल के PYQs आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन वाइज, टॉपिक वाइज दिए जाएं, ताकि अगर आपके पास थ्योरी है, आप प्रिपरेशन खुद से कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी किसी के हेल्प से कर रहे हैं, तो यहाँ पे PYQs की प्रैक्टिस आप कर सकें। ठीक है, अगर आपको ये वाली सीरीज अच्छी लगे पूरी क्वेश्चन देखने के बाद, तो ज़रूर बताइएगा कि और कौन से टॉपिक्स आप चाहेंगे कि मैं कवर करूं आने वाले समय में। क्लियर? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 में जो गेट का पेपर अभी हुआ था 5th February में, उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग के हमारे पास दो क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन था 25 नंबर का, दैट मींस कि नंबरिंग 25 थी, और एक 58 नंबर पे था। ठीक है, सो 25 वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, और जो 58 नंबर पे क्वेश्चन था, ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, सो पहला वाला क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। ठीक है, आपको एक सिंगल ऑप्शन करेक्ट करना था। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपका क्या था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको सॉल्व करके उसमें उसका आंसर लिखना था। तो इस तरीके के दो क्वेश्चंस हमें LPP के मिले थे। सो 1+2 हमारा टोटल 3 मार्क्स का LPP इस बार 2024 में आया था। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन किस टॉपिक के हैं और कैसे सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये, कंसिडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमें यहाँ पे एक LPP दी गई है। जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाए, तो समझिएगा कि हमारे लिए प्राइमल प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। ओके, सो प्राइमल प्रॉब्लम हमें मिनिमाइजेशन टाइप की दी गई है। मिनिमाइजेशन टाइप में हम यूजुअली प्राइमल प्रॉब्लम को मिन ऑफ जेड से शो करते हैं, और यहाँ पे इसकी एक प्रॉब्लम, एक कॉस्ट वैल्यू से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जनरेट की जाती है। तो क्या दिया गया है, 5x1+2x2 सब्जेक्ट टू, ये दोनों रेस्ट्रिक्शंस हैं या कंस्ट्रेंट हैं जो इम्पोज किए गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये दो डिफरेंट डिसीजन वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में किया गया है। ठीक है, डिसीजन वेरिएबल्स हमेशा कॉस्ट को, प्रॉफिट को, टाइम को, एम्प्लॉय को, नंबर ऑफ लेबर्स को दिखाते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव नेचर का ही होता है। तो डिसीजन वेरिएबल्स हमारे क्या हो गए, x1 और x2, दो डिसीजन वेरिएबल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि पॉजिटिव नेचर के दिखाए गए। दैट मीन्स कि हम जब भी इसको ग्राफिकल अगर सॉल्व करें, सो शो करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आने वाली वैल्यूज ही ले सकते हैं। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि क्या क्या हमें दिया गया है। पूछा क्या है, हमें ऑप्टिमल वैल्यू पूछी है इस प्राइमल प्रॉब्लम की, इज इक्वल टू कि क्या इसकी प्रॉब्लम की वैल्यू है। दैट मीन्स यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसके लिए 2-3 टेक्निक हैं। सबसे पहला हम यूज करते हैं ग्राफिकल मैथड, जहाँ से आपका गेट का LPP का पोर्शन स्टार्ट होता है। ग्राफिकल मैथड कहता है कि अगर आपके पास 2 डिसीजन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मैथड की ही मदद लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिसीजन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, और 2 डिसीजन वेरिएबल से बनने वाली 2 इक्वेशंस दी गई हैं, तो इनको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ताकि हम उनको ग्राफिकली ड्रॉ कर सकें। तो मैं अगर इस लाइन को x1 मान रही हूँ, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x1 x2 के टर्म में है, सो y वाली जो लाइन है, y एक्सिस को मैं x2 मान लेती हूँ। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड पॉइंट्स हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको, मतलब जैसे बचपन में करते थे वैसे बता देते हो, यूजुअली आप हाइड करके भी कर सकते हो। सो x1 x2, एक बार x1 को 0 रखा, एक बार x2 को 0 रखा, आपको दोनों इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट्स मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट आपको चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x1 को 0 ले रही हूँ, तो x2 की वैल्यू आपकी कितनी बन जाती है, 2। ठीक है, अगर आप x2 को 0 लेके चल रहे हो यहाँ पे, तो x1 की वैल्यू आपकी कितनी मिल जाती है, 1। सिमिलरली जब मैं इसके लिए करूँगी, जब भी इस तरीके की इक्वेशन
हो, x1 प्लस x2 समथिंग वाली, तो उस केस के लिए तो हमें डायरेक्टली ही पॉइंट मिल जाते हैं 1, 0 और 0, 1. तो यहाँ पे भी हमें जो पॉइंट मिले हैं डायरेक्टली कैसे मिले हैं, x1, x2, एक बार x1 0, एक बार x2 0. सो यहाँ पे देख लो, x2 को 0 करोगे तो x1 1, फिर x1 को 0 करोगे तो x2 1. तो वैल्यू क्या बनी, 0, 1 और 1, 0. ठीक है, अब ये वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं. तो लाइन कौन सी ड्रॉ होगी, ये वाली 0, 2, मतलब कि x1 की वैल्यू 0 है. तो इसके लिए x2 के लिए हमारा x1 हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है. इस x1 के लिए हमारा x2 क्या होता है, हमेशा 0 रहता है. तो अब आप बना लीजिए, x1 इज 0 एंड 2. तो यहाँ पे मैं 1 ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं 2 ले लेती हूँ, इस पॉइंट को मैं 0, 2 से शो करती हूँ. क्लियर, यहाँ पे मेरा पॉइंट है 1, 0, जिसमें मैंने x2 को क्या ले लिया, 0 ले लिया. तो x2 मेरा यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 पॉइंट कहीं पे मिलेगा, तो इसको मैं 1, 0 ले लूंगी. इस लाइन को मैं जब ड्रॉ करूंगी तो जो ये लाइन सेगमेंट मेरा बना है, ये लाइन सेगमेंट मेरा पहली वाली इक्वेशन को शो कर रहा है. ठीक है, क्लियर हो गया सभी जनों को. अब नेक्स्ट, ये मेरा सेकंड वाला लाइन 1, 0 और 0, 1. तो मेरा 1, 0 कहाँ बनेगा, यहीं पे 1, 0 बनेगा, तो यही वाला पॉइंट. और 0, 1 मेरा कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा 0, 1. ठीक है, तो अब इन दोनों को इस तरीके से मिला दिया. अब नेक्स्ट, पहला हमने ड्रॉ कर लिया है ना, पॉइंट्स ले लिए, अपने लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर दिए. अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप कहता है कि आपको इसमें अपने लिए फिजिबल रीजन सेलेक्ट करना है. फिजिबल रीजन का मतलब होता है सबसे अंदर कॉमन रीजन, जो आपके गिवन लाइन सेगमेंट के अंदर सबसे इनर मोस्ट कॉमन रीजन आता है, उसको हमें शेड करना है. ठीक है, अब कॉमन रीजन कैसे, यहाँ पे सिंबल्स देखो, एक सिंबल यहाँ पे है हमारे पास लेस देन का. ठीक है, लेस देन का मतलब होता है हमेशा अगर पूरी इक्वेशन लेफ्ट राइट साइड की पॉजिटिव जा रही हो, तो अगर लाइन सेगमेंट इस तरीके से बनाया हो, तो लेस देन का सिंबल होता है टूवर्ड्स द ओरिजिन. इसका मतलब कि मेरी पहली वाली लाइन थी ये, इसको मैं 1 कह देती हूँ, मेरी दूसरी वाली लाइन थी ये, इसको आई मेंशन है 2, इसका मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन के साइड पोर्शन. तो यहां से लेके यहां तक पूरा अंदर तक का रीजन इसने हमें बता दिया कि ये सारा का सारा रीजन मेरा फिजिबल रीजन है. ठीक है, अब दूसरी वाली लाइन में देखो, दूसरे वाली लाइन में इसने कहा है ग्रेटर देन. ग्रेटर देन का मतलब होता है आपकी लाइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही हो, तो ओरिजिन से दूर भागने वाला रीजन, मतलब ओरिजिन से बाहर जाने वाला रीजन. तो इसके लिए मेरे पास कौन सा रीजन बनेगा, सेकंड लाइन के लिए मेरे पास रीजन बनेगा बाहर जाने वाला, मतलब कि ये वाला. ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बताया फिजिबल रीजन होता है आपका मोस्ट कॉमन रीजन. इसने कहा अंदर का रीजन, दूसरे ने कहा बाहर का रीजन, तो आई गॉट माई मोस्ट कॉमन रीजन. ये पूरा का पूरा जो ब्लू शेडेड रीजन है, दिस इज माई मोस्ट कॉमन रीजन. अब मेरा जो थर्ड स्टेप होता है वो मुझसे कहता है कॉर्नर पॉइंट्स. कभी कभी एग्जाम में कॉर्नर पॉइंट्स के नंबर्स भी, दे विल आस्क कि कितने कॉर्नर पॉइंट्स तुम्हारे फिजिबल रीजन के आ रहे हैं. तो ये रीजन तो मेरा बन गया फिजिबल रीजन. ठीक है, अब इसके आने वाले जो ये साइड के पॉइंट्स है, भाई ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीन पॉइंट जिसको मैं ए बी और सी टर्म कर रही हूँ, दीज थ्री पॉइंट्स आर माई फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स. ठीक है, समझ में आ गया. तो तीसरा पॉइंट, अब कॉर्नर पॉइंट्स आने के बाद अब मुझे क्या करना है, बस अब मुझे कॉर्नर पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन है, उसके रिस्पेक्ट में आंसर को फाइंड करना है. तो मेरे पास हुआ ए जिसकी वैल्यू हुई 1, 0, मेरे पास आया बी जिसकी वैल्यू हुई 0, 1, मेरे पास आया सी जिसकी वैल्यू हुई 0, 2. इसके रिस्पेक्ट में 1, 0, इसके रिस्पेक्ट में मुझे z निकालना है. अगर मैं इसको z मान के चल रही हूँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z विद रिस्पेक्ट ऑफ a, z विद रिस्पेक्ट ऑफ b, z विद रिस्पेक्ट ऑफ c. ठीक है, अब z में क्या वैल्यू है, z में हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं, z में हमारे पास है 5x1 प्लस 2x2, ये है. ठीक है, अब x1 x2 हमें कहाँ से मिल रहे हैं, a के रिस्पेक्ट में a के, b के रिस्पेक्ट में b के, c के रिस्पेक्ट में c के. क्लियर हुई बात, तो लिख दो 5 इसके साथ 1 आएगा, 0 हो गया दूसरा वाला हिस्सा, तो आंसर इज 5. यहाँ पे क्या आएगा 2, पहला वाला हिस्सा 0 है, तो मतलब x1 वाला पॉइंट हो गया 0, x2 वाले पे वैल्यू डाल दो, तो 2 × 1 वैल्यू क्या आ गई 2. यहाँ पे क्या डालोगे, 5 के साथ आया 0 प्लस 2 के साथ आया 1, तो ये वैल्यू क्या आई 2. तो आपको यहाँ पे वैल्यू 2 और 2, तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिली 4. क्लियर, तो ये वैल्यू हमें मिली 4. तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की 3 वैल्यूज मिली हैं. इसमें से मुझे ऑप्टिमल चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, ऑप्टिमल वैल्यू पूछ रहा है. किसके रिस्पेक्ट में, मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑप्टिमल वैल्यू होगी वो जो सबसे मिनिमम वैल्यू दे रही हो. मिनिमम वैल्यू क्या दे रही हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, 2. सो 2 इज योर आंसर.
ठीक है, यहाँ पे हमें टू वाला आंसर डी पॉइंट पे दिया है, तो डी इज योर आंसर, जो आपकी आंसर शीट में भी, मतलब जो आंसर की इशू हुई है उसमें भी दिया गया। समझ में आया क्या करना है? तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है स्टेप बाय स्टेप देख लो। तीन स्टेप में ये वाला क्वेश्चन ग्राफिकल का हो जाता है। सबसे पहले पॉइंट्स निकालने हैं, उसके बाद रीजन ड्रॉ करना है, कॉमन रीजन ड्रॉ करने के बाद फिजिबल पॉइंट्स निकालने के बाद आंसर आपको मैक्सिमाइज कहा होता तो शायद आंसर 5 बन जाता, क्योंकि मिनिमाइज कहा है इसलिए आंसर 2 बन गया। क्लियर है? चलो 1 मार्क पक्का। अब नेक्स्ट पे आते हैं, 24 का सेकेंड क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज दिस। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, ये भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही लिखने का तरीका है। तो यूजुअली जेड इज इक्वल्स टू 10x प्लस 6y माइनस 8z, ऐसे लिखते हैं। ऐसा ना लिख के इसने यहाँ पे एफ के रिस्पेक्ट में दिखा दिया कि एफ आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन है जिसकी वैल्यू ये है। सेम ही बात है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये मैक्स ऑफ जेड की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये हमें इसने फिर से रेस्ट्रिक्शंस दे दी हैं, और यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस है इस बार 3 वेरिएबल पे डिफाइंड होती है। ठीक है, तो इनके ये क्या है, ये है इनके डिसीजन वेरिएबल्स, 3 डिसीजन वेरिएबल्स हैं। अभी मैंने आपसे कहा जब हमारे पास 2 डिसीजन वेरिएबल्स हों उस केस में हम ग्राफिकल मैथड को शो करते हैं या ग्राफिकल मैथड को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 3 डिसीजन वेरिएबल्स हैं, तो मैं इसको करना तो ग्राफिकल से ही चाहूंगी, और क्वेश्चन में आंसर भी इसने इसका ही पूछा है। पर्टिकुलर जो मैक्सिमाइज टाइप की ऑब्जेक्टिव फंक्शन दी गई है इसको मैं प्राइमल लेके चलती हूं, तो इसी का पूछा है। लेकिन हमें एक और चैप्टर पढ़ा है जिसको हम कहते हैं ड्यूएलिटी। ड्यूएलिटी में हमने पढ़ा है कि अगर आपकी कोई भी गिवन प्रॉब्लम प्राइमल हो, कोई भी गिवन प्रॉब्लम प्राइमल हो और वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो, उसके लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो, सो सेम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वैल्यू आपकी ड्यूएल ऑफ दी प्रॉब्लम के लिए भी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब मैं क्या करूंगी, इसको आई विल कन्वर्ट इट, गिवन एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को मैं डुअल में कन्वर्ट करूंगी। डुअल में कन्वर्ट करने के बाद ये 3 वेरिएबल में दिया है, ये 2 वेरिएबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 वेरिएबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने के बाद फिर मैं क्या करूंगी, फिर तो मुझे पता है कि मेरे को 2 वेरिएबल के लिए मैं तुरंत ग्राफिकल मेथड अप्लाई कर दूंगी। तो मेरा स्टेप क्या होगा, जो अभी आपको स्टेप बताया वो ग्राफिकल मेथड अप्लाई करूंगी। फिर मुझे पता है कि इसने मुझसे इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो ये नोन है जब मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ही बारे में बात कर रहा होगा। तो इसका मतलब अभी मैंने तुम्हें एक वो बताई, क्या बताई मैंने तुम्हें, भी एक थ्योरम बताई कि अगर डुअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है सेम वैल्यू ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राइमल के लिए भी एग्जिस्ट करेगी। तो मैं डुअल के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑप्टेन करूंगी और ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैं ऑप्टेन करूंगी वही सेम मेरे प्राइमल का भी आंसर होगा। समझ में आया? तो क्या करना है, इस एलपीपी को पढ़ना है, इसको डुअल में कन्वर्ट करना है, डुअल में कन्वर्ट करने के बाद ग्राफिकल मेथड अप्लाई करना है, ग्राफिकल मेथड अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डायरेक्टली यहाँ लिख देना है, क्योंकि वही आंसर मेरे इस एलपीपी का भी होगा। तो यहाँ पे प्राइमल को पहले डुअल में कन्वर्ट करना बताते हैं और उसके बाद फिर ग्राफिकल मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेरा प्रॉब्लम दिया गया है उसको मैं लिख लेती हूँ। मैक्सिमाइज ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 10x प्लस 6y माइनस 8z। तो ये मेरी एक प्राइमल प्रॉब्लम हो गई। इसी के सामने मैं यहाँ पे इसकी डुअल भी लिख देती हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें। डुअल को मैं लिख रही हूँ W1, W2, W3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ इसने X, Y, Z के रिस्पेक्ट में करा है, तो मैं इसको लिख रही हूँ Z ऑफ W, ये डुअल के रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब देखिए डुअल में क्या होता है, जो ये राइट हैंड साइड वेरिएबल्स होते हैं ये क्या बन जाते हैं, कॉस्ट वेक्टर्स। तो क्या बन जाएगा, 20W1 प्लस 30W2। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा है, यहाँ मैक्स टाइप का है, तो डुअल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, मिनिमम टाइप का बन जाएगा, मिनिमम ऑफ दिस। ठीक है, डुअल। अब जिन बच्चों ने डायरेक्टली ये क्वेश्चंस देख रहे हैं और उन्होंने प्राइमल टू डुअल का कन्वर्जन नहीं देखा है, तो बच्चे जाके चैप्टर को पढ़ो उसके बाद इसको देखो, क्योंकि जब तक आपने कन्वर्जन नहीं देखा होगा तो क्विकली यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एटलीस्ट स्टेप एक बार देख लीजिए। तो पहला ये हो गया। अब इसके कंस्ट्रेंट को चेंज करते हैं, कंस्ट्रेंट को हम चेंज करते हैं इस तरीके से, दैट मीन्स कि हर बार हम क्या करेंगे, एक कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ क्या है, 5 और 10 दो वैल्यूज हैं पहले कॉलम में, तो ये बन जाएंगी 5 of W1 प्लस 10 of W2। ये क्या है, -2 of W1 प्लस 4 of W2। फिर तीसरा क्या है, 6 of W1 माइनस 6 of W2।
क्लियर है। सो इस चीज को हम इस तरीके से कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, इसको इरेज कर देते हैं ताकि यहाँ क्लियर रहे, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्योंकि देखो सिंबल कैसा है, लेस देन का है, हमेशा जब मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो सिंबल लेस देन का ही यूज होता है, अब जब मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज होता है, ये स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है, आपको याद होने चाहिए। तो सिंबल ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक है। अब हमने ये वाला हिस्सा तो यहाँ डाल दिया था, इसका मतलब ये वाला हिस्सा कहाँ डालूंगी, यहाँ। तो दैट मीन्स जो कॉस वेक्टर है वो राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे। क्या क्या है कॉस वेक्टर, 10 है, 6 है और -8 है, तो यही हम यहां पे यूज कर लेंगे। दिस इज 10, दिस इज 6 एंड दिस इज -8। तो ये मेरी एक डुअल प्रॉब्लम बनके तैयार हो गई एंड ये कंस्ट्रेंट थी मेरी, एंड W1, W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे डिसीजन वेरिएबल पॉजिटिव नेचर के हो गए, क्लियर। अब इसके बाद अब मेरे क्या हो गया, मेरी जो गिवन प्रॉब्लम थी प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट, डुअल में दो वेरिएबल में हुई, अब मुझे इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, तो आई विल यूज दी ग्राफिकल मेथड, मैं यहां पे ग्राफिकल मेथड अप्लाई करूंगी। अब ग्राफिकल मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों के रिस्पेक्ट में इनके पॉइंट्स बनाने होंगे। इनके पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, मैंने कहा था ना कि एक को जीरो रखो, दूसरे की वैल्यू निकालो, फिर पहले को जीरो रखो, नेक्स्ट वाली की वैल्यू निकालो। तो पहला वाला बता देती हूँ, जैसे 5W1 + 10W2 इज इक्वल्स टू 10, है ना। अब इसमें मैं अगर W2 को जीरो लेती हूँ तो W1 की वैल्यू क्या बन जाती है, W2 का आप जीरो ले लो तो W1 क्या बन जाएगा, 10/5 मतलब कि 2, तो वैल्यू क्या आई आपकी, 20। इसी तरीके से W1 को जीरो ले लो, W1 को जीरो ले लोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1, तो W2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। तो हमें ये दो पॉइंट्स मिल गए जिसके रिस्पेक्ट में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। आई होप क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख लेती हूँ, 20 पहले वाले के हैं, दूसरे वाले का है 01। इसको मैं कर देती हूँ इरेज, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली लाइन देखो, -2W1 + 4W2 = 6, ये दूसरी वाली लाइन लेके चली हूँ मैं, कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ये वाला -2W1 + 4W2 = 6, ठीक है। अब इसमें मैंने W2 को अगर जीरो ले लिया तो W1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W2 जीरो लिया तो W1 की वैल्यू 6/2 मतलब कि हमारे पास -3 आ गई, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका हमारा बन गया -3 और 0। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, W1 को जीरो ले लो भाई, W1 को जीरो लिया तो वैल्यू क्या बनी, 6/4, तो W2 की वैल्यू बन गई 6/4, तो W2 की वैल्यू क्या बन गई, 0, 6/4। अब से क्लियर, अब इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, तीसरी लाइन पे आते हैं। तीसरी लाइन को देखिए, तीसरी लाइन क्या है हमारे पास, थर्ड वाली लाइन हमारे पास ये है, 6W1 - 6W2 = -8। अब वैसे ही सेम, W1 = W2, ठीक है। W2 को जीरो लेंगे तो वैल्यू क्या बनी, -8/6 मतलब कि 4/3 बन गया, मतलब कि 1.3 समथिंग, ठीक है। और ये बन जाएगी 3/2 1.5 के करीब, ठीक है। तो ये देख लेना आप वैल्यू। अब नेक्स्ट, यहाँ पे W2 इज जीरो, यहाँ पे W1 को जीरो रखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 8/6। याद रखो ये पॉजिटिव है, वो वाला नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू बनी है ये बनी है -8/6, 0, और ये वाली जो वैल्यू बनी है 0, 8/6, ठीक है। अब 8/6 को करोगे तो 2 4s and 2 3s, और ये हमारी 4/3 बन गई, और इधर 6/4 था तो 2 2s and 3s, तो ये बन गया हमारा 1.5 और ये वाली बन गई हमारी 1.3। तो ये मार्किंग में हमें हेल्प कर जाएगी, क्लियर। अब आई इरेज इट और हम इसको डायरेक्टली अब ड्रॉ कर देते हैं। तो कुछ बच्चों का इसमें आंसर मिस्टेक हुआ है, देख लीजिए कि आंसर में कहां पे, मतलब कौन सा स्टेप गलत हो गया जिस वजह से आंसर मिस्टेक हुआ है। सो यहां पे इसको ड्रॉ करते हैं, मुझे नेगेटिव साइड चाहिए, सो आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस और ऐसे, ठीक है। अब इसके पॉइंट लेते हैं 20 और 01, 20 मतलब यहाँ पे, ठीक है, 10 और 20, तो इसको मैं ले रही हूँ 20 और यहाँ पे मुझे लेना है 10 और यहाँ पे मुझे लेना है 02, तो 01 मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो ये मेरा पहला वाला लाइन बना इस तरीके से, फर्स्ट वाला लाइन। ये ध्यान रखिएगा कि सिंबल क्या है, सारे ग्रेटर देन, इट शुड बी आउटसाइड दी ओरिजिन, लेकिन जब यहाँ पे निगेटिव प्रिवेल करता है तो सिंबल मतलब ग्रेटर देन होने के बावजूद आपका जो डायरेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं वो आपके बदल जाते हैं, कैसे मैं बताऊंगी अभी। ये मेरी फर्स्ट वाली लाइन है, आई मूव टू दी नेक्स्ट, तो यहाँ 1 ले लो 2 ले लो और यहाँ पे मेरी आ गई 3rd। सो ये वाली लाइन मेरी बनेगी -3, 0 पे यहाँ पे, और ये वाली है
आपकी कितनी 3/2 थी, तो 1.5, मतलब यहाँ पे कहीं, तो 0 कॉमा, मैं इसको 6/4 ही लेके चली हूँ। सो इस लाइन को इस तरीके से यहाँ से ड्रॉ कर दिया, क्लियर, आगे की तरफ को यहाँ से ड्रॉ कर दिया। इसको ले लेते हैं 0 6/4, क्लियर। अब ये जो नेक्स्ट वाली लाइन है, इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। ये है माइनस, मतलब 1.3 के करीब, तो ये -3 और 1, तो ये यहाँ पे कहीं 1.3 के करीब आएगी, -8/6, 0 यहाँ पे ले लेते हैं इधर बीच में, और ये वाली है 8/6, मतलब कि यहाँ पे कहीं नीचे 1.3 से, है ना, क्योंकि 8/6 इज़ वॉट 1.3। सो ये यहाँ से लेते हुए लाइन तुम्हें इस तरीके से लेके आनी है ऐसे। सो ये हमें रीजन्स मिले, क्लियर। अब ये रीजन देखते हैं कि कौन कौन से रीजन हमें मिले जिनको हमें शेड करना है, तो मैं रेड कलर से शेडिंग कर रही हूँ। देखो इस पहली वाली लाइन के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वाली लाइन में सिंबल देखो, फर्स्ट वाली लाइन में सिंबल है ग्रेटर देन का, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कि इसके लिए यहाँ इस पॉइंट से, इस पॉइंट से सारा ऊपर का रीजन, ये सारा बाहर का जितना भी ये सब है, ये सारा रीजन है, क्लियर हो गया। अब इसको इरेज करते हैं, दिमाग में रखिएगा कि कौन सा रीजन है, बाहर का रीजन है, क्लियर। अब नेक्स्ट वाले पे आओ, नेक्स्ट वाली लाइन है मेरी ये ग्रेटर देन की, तो ये मेरी दूसरी लाइन थी 6/4, ग्रेटर मतलब कि बाहर की तरफ, ओरिजिन से दूर की तरफ, तो इसके लिए ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, इसके लिए कौन सा हो गया, ओरिजिन से दूर का रीजन, ये वाला, और इसके लिए तो ऑलरेडी ये बाहर का रीजन था, तो ये सारा ऊपर का, ऐसे सारा रीजन हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए, इन सबको मैं हटा देती हूँ ताकि मैसी ना हो, बट क्लियर हो जाए आप लोगों को। अब ये वाली जो लाइन है मेरी तीसरी वाली, भाई इसमें ग्रेटर देन है बट सिंबल इसमें माइनस का, इसलिए इसमें रीजन ये वाला होगा, अंदर वाला, टूवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब नीचे वाला, बट हम तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मोस्ट कॉमन रीजन लेंगे, तो प्रिसाइज कॉमन रीजन हमारा बन गया ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, तो हमें जो पॉइंट कॉमन मिला है, तो सब में, सारी तीनों लाइन में, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रीजन जो हमें अवेलेबल हुआ है, फाइन। सो इसके रिस्पेक्ट में हमें चाहिए क्या, मिनिमा। मिनिमा का मतलब होता है जब भी आपका रीजन अनबाउंडेड हो रहा हो किसी इस तरीके की प्रॉब्लम में, तो जो मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज योर आंसर। हम जब इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व किसको करेंगे, हमें सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों, मतलब सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन को। सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन हमारी क्या थी, -2W1 + 4W2 = 6, और ये थी हमारी पहली लाइन विच इज़ 5W1 + 10W2 = 10। जब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, इनको सॉल्व करने के बाद आप ये देखोगे कि हम W1 की वैल्यू हमें मिलेगी 1/3 के करीब, और जब आप सॉल्व करोगे तो W2 की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी 5/3 के करीब, ठीक है। सो ये जो पॉइंट मेरे बने हैं, ये बना है 1/3, 5/3 से, और मुझे पता है यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, क्योंकि और कोई रीजन मिला नहीं है और कोई पॉइंट मिला नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, अब इस पॉइंट को अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करूँगी, तो गलती से भी इसमें मत पुट करिएगा, डुअल सॉल्व कर रहे हैं तो डुअल में ही पुट करिएगा। सो जेड विल बी 20 × 1/3 + 30 × 5/3, ठीक है। अब इसको डिवाइड मत करो 10 से, क्योंकि 1/3, 1/3 दोनों में मिल रहा है, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो इट इज 20/3 + 150/3, सो इट विल बी 170/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो 56.6 आपका आंसर यहां मिल रहा है, और जो आपको आंसर शीट में आंसर दिया वो 56.6 से लेके 56.8 तक की रेंज में दिया है, क्लियर है। सो दिस इज योर आंसर, ओके, समझ में आ गया। अब ये जो 56.6 है, ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, इसीलिए ये 56.6 जो है आपका आंसर आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन का, मतलब प्राइमल का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाएगा, क्लियर है। सो ये तो हो गया पहला मेथड, जिन बच्चों ने इससे सॉल्व किया, अगर ये आंसर है देन यू हैव डन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइन। अब इसका एक सेकेंड मेथड और है, बाय द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड भी आप इसको कर सकते हो। अब मैं पूरा सिंप्लेक्स मेथड तो नहीं करवाऊंगी, लेकिन मैं आपको उसका स्टार्टिंग बता दूंगी कि कैसे सिंप्लेक्स मेथड आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हो। दूसरी बात, मैंने जो ये PDF बनाई हुई है, इस PDF में आपको 18 साल के सारे क्वेश्चन सेग्रीग्रेटेड इस फॉर्म में मिल जाएंगे, ईयर वाइज हर एक टॉपिक के। ये LPP का पूरा PDF है, तो ये मैं अपने ऐप में डाल दूंगी। मेरे ऐप का नाम है धी लर्न एंड ग्रो, इसमें आप जाएं और आपको ये PDF मिल जाएगा, क्लियर।
किस नाम से मिलेगा? ये मिलेगा आपको गेट पी वाई क्यूज सॉल्यूशन के नाम से। गेट पी वाई क्यूज सॉल्यूशंस में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये वाली पीडीएफ्स पड़ी हुई मिल जाएंगी। आप ये लेकर इनको प्रिंट आउट निकाल के इनके सॉल्यूशंस अपने आप पीडीएफ्स को देख देख के लिख सकते हो, तो आपके पास खुद का एक पी वाई क्यूज का कलेक्शन हो जाएगा, जो कि आप एग्जाम से पहले 2-3 बार तैयारी करने से पहले देख सकते हो कि किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब इसमें सिंप्लेक्स मेथड कैसे लगेगा वो बता देती हूँ। तो सिंप्लेक्स मेथड के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमारी प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमारी प्रॉब्लम हमेशा मैक्सिमाइजेशन टाइप की होनी चाहिए, और जो हमारा ऑलरेडी है तो हमारा क्या बन जाएगा, मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 10x प्लस 6y माइनस 8z। अब हमें कंस्ट्रेंट जो होती है ना वो इक्वेशंस के फॉर्म में लिखनी होती है, तो कैसी बनेंगी, 5x माइनस 2y प्लस 6z, दूसरी है 10x प्लस 4y माइनस 6z। क्योंकि सिंबल लेस देन के हैं तो हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की जाएगी, जिसको मैं यहाँ पे s1 कहूंगी और यहाँ पे इसको s2, तो ये 0s2 है और यहाँ पे 0s1, ऐसे आप लिखोगे। यहाँ पे कॉस्ट वेक्टर इनके रिस्पेक्ट में हमेशा जीरो बन जाएंगे जिन पॉजिटिव क्वांटिटी को आपने ऐड किया है। ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी आपने ऐड की है इनको स्लैक वेरिएबल्स भी कहा जाता है। क्लियर? अब क्या है, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दी, अब तो तुमने LHS और RHS को बराबर कर दिया, बैलेंस कर दी इक्वेशन, तो अब ये बन जाएगा इक्वल टू 20 इक्वल टू 30। क्लियर? ये पहला स्टेप है। करने के बाद आपको बनानी होती है सिंप्लेक्स टेबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिक वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे CB XB, और यहाँ पे हमारा ऊपर आता है CJ, ठीक है। CJ क्या होते हैं, ये कॉस्ट वेक्टर, ठीक है, 10, 6 और 8। और यहाँ पे आते हैं हमारे XJs, XJs क्या हुए, ये X, Y, Z, S1 और S2। सो यहाँ पे लिखूंगी मैं X, यहाँ Y, यहाँ Z, यहाँ S1, यहाँ S2, यहाँ पे आएगा आपका मिनिमम रेशियो, ठीक है, मिनिमम रेशियो इज XB अपॉन XK, जो आपका सेलेक्ट होगा वो, और यहाँ पे आएगा आपका x, और यहाँ पे इन्हीं के कोफिशियंट्स आ जाएंगे 10, 6, -8, इनके क्या है भैया 0, 0। अब CB आपका क्या है, CB वो स्लैक वेरिएबल्स हैं जिनसे हम शुरुआत करेंगे अपनी टेबल की। तो S1, S2, यहाँ पे आएगा S1, यहाँ आएगा S2। CB क्या है भैया, इनके कोफिशियंट वेक्टर्स क्या है, 0, 0, तो यहाँ आएगा 0, 0। XB क्या है, ये राइट हैंड साइड वैल्यूज, मतलब कि 20 और 30, ठीक है, यहाँ पे वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन। और अब हमें यहाँ क्या लिखना है, x के नीचे x के कोफिशियंट, y के नीचे y के कोफिशियंट, z के नीचे z के कोफिशियंट, s के नीचे s1 के कोफिशियंट, s2 के नीचे s2 के कोफिशियंट। सो यहाँ आएगा 5, 10, -2, 4, 6, -6, यहाँ 1, 1, 0, 0। अब भाई आप जेड निकालिए, डेल्टा जे निकालिए, और फिर इसको यू कैन सॉल्व एंड गेट द आंसर। आंसर सेम आना चाहिए, चाहे तुम डुअल करके सॉल्व करो, चाहे तुम इसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करो। क्लियर? आंसर मैंने तुम्हें ग्राफिकल से बना दिया, इसको सॉल्व करो और देखो कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कमेंट के द्वारा पूछ लेना, मैं इसका PDF भी डाल दूंगी ऐप में, और आ रहा है तो वेल एंड गुड, आंसर को क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 2023 के LPP के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ और बताइएगा कि किस तरीके का कंटेंट आप देखना चाहते हो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग my videos।